गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड, सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स और इसमें अपना न्यू चैप्टर लेसन नंबर 5 स्टार्ट हम कर चुके हैं, डिवीजन। तो डिवीजन में हमने कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियो में अपने किए थे, ठीक है। तो आज हम इसका नेक्स्ट करेंगे। पेज नंबर 35 में एक आपको करना है, किस मैथड से, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मैथड से आपने ये क्वेश्चन करना है डिवीजन की, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, एक क्वेश्चन आपके लिए ऑलरेडी किया है बुक में, पहले वो देख लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए 150 डिवाइडेड बाय 30 है, यानी कि 150 को हमें डिवाइड करना है 30 से। तो इसमें हम क्या करेंगे, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड में हम क्या करेंगे, हम सबसे माइनस करना करेंगे क्योंकि सब्ट्रैक्शन बोला है। तो 150 में से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 30। तो कितना आपको, हमने 150 इसको रफ में कर लेंगे, 150 माइनस 30 तो कितना आपका 120 हुआ, ठीक है। फिर इस तरीके से आपने 30 माइनस करते रहना है, जो भी आपका आंसर आ रहा है उसको से 30 माइनस तब तक करते रहना है जब तक कि आपका जीरो नहीं आ जाता, ठीक है। तो 150 में से 30 माइनस हुआ तो कितना है आपका 120, ठीक है। 120 में से आपने 30 को फिर माइनस किया तो फिर 90 माइनस 30 आपका 60, फिर 60 माइनस 30 आपका 30 एंड 30 माइनस 30 आपका 0। तो कितनी बार करने पे आपका 0 आया है तब तक हमने माइनस करते रहना है जब तक कि आपका 0 नहीं आ जाता। तो कितने टाइम्स हुआ इसको, 1, 2, 3, 4 एंड आपका 5, यानी कि 5 बार प्रोसेस करने से तब आपका 0 आया है। तो दैट मीन्स आंसर क्या आ जाएगा आपका, 5। तो 30 को हम अगर डिवाइड करते हैं इस तरीके से तो आपका कितना आ जाएगा आंसर, 5, ठीक है। 0 को 0 से कैंसिल कर सकते हैं, 3 5 15, तो आंसर कितना है आपका 15। तो ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड है, इसको एक देख लेंगे हम। एक और क्वेश्चन लेसन नंबर 5 पे इसे कॉपी में नोट डाउन करेंगे आप और बाकी क्वेश्चन आप बुक में ही प्रैक्टिस करेंगे। लेसन नंबर 5 मल्टीप्लिकेशन, पेज नंबर 35 जो अभी हमने देखा है, और इसे करना है हमने रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आपका, 100 डिवाइडेड बाय 20, फिर वैसे करना है माइनस करते चले जाना है, 100 माइनस 20 कितना हुआ आपका, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको पूरा यहाँ पे देखिए दिखाया है, ठीक है। 100 माइनस 20 आपका 80 हुआ, फिर ये 80 आया, इसको 80 को यहाँ पे लिख, फिर इसमें से भी 20 माइनस करेंगे हम, 60 आया, ठीक है। फिर 60 आंसर आया, उसमें से फिर 20 माइनस करेंगे, फिर आपको 40 आया, फिर 40 माइनस 20 आपका फिर 20 आया, 20 माइनस 20 आपका 0, ठीक है। तो आपका 0 यहाँ पर आ गया, अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तब तक करते रहना जब तक कि आपका 0 नहीं आ जाता। तो कितने स्टेप इसको लगे हैं 0 आने पे, देखिए 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, तो इसका आंसर भी कितना है आपका, 5 आंसर आ गया हमारा, 5। ये 0 से 0 को काट सकते हैं, 2 5 आपका 10, ठीक है। तो ये है आपका रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, जब तक आपने माइनस करते रहना है जब तक आपका 0 नहीं आ जाता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे इनकी। सो थैंक यू क्लास।